क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे दिलप्रीत सिंह डीपी जी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दी है। हम पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हम सब जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आज सिख समाज के एक बड़े नेता ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, हम उन्हें परिवार की भांति पार्टी में ज्वाइन किए हैं और हम सब पूरे प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम सब मिलकर के प्रदेश को उत्तम प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जन जन में माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की सराहना सब लोग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान बीजेपी के साथ बढ़ रहा है और सर्व समाज बीजेपी में बड़ी आशा भरी नजरों से माननीय मोदी जी के प्रति देख रहा है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश, स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं धर्म और जात देख के एनकाउंटर। दरअसल आप जानते हैं कि अखिलेश यादव के पास कहने को कुछ बचा नहीं, वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहे। प्रदेश कहाँ से कहाँ जा चुका है, 12 से 17 में उन्होंने प्रदेश को जिस ढंग से अंधकार में डुबोने का काम किया था, गड्ढे में डालने का काम किया था, आज प्रदेश पूरे देश के पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर नंबर एक पर आने के लिए काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सिर्फ अपने रीजन की बातें याद आ रही हैं। किस ढंग से उत्तर प्रदेश को उन्होंने गुंडई, अराजकता, माफिया गर्दी में पूरी तरह से अराजकता की आग में झोंकने का काम किया था, मैं कह सकता हूं कि दंगों की आग में झोंकने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और मैं ये भी कह सकता हूं कि सड़कें हैं, 2,70,000 किलोमीटर सड़कें हमारे पास है, हम राउंड द क्लॉक बिजली सभी जनपदों को हेडक्वार्टर्स में दे रहे हैं, गांव में 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। अखिलेश यादव के शासन काल में आप भी पूछिएगा, एक सप्ताह दिन में बत्ती आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी, तब अखिलेश यादव कहाँ थे। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल पहुँचाया जा रहा है, अमृत सरोवर गाँव गाँव खुद गए हैं, वास्तव में जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देते, ये भी सवाल आप पूछिए। हमारी सूची देखिए, पहला जो रिजल्ट आया वो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज को ही जीत मिली है चेयरमैन के चुनाव में और ये उनसे पूछिए, ये चुनाव जीत के लिए होता है। जहाँ जहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाई जीत सकते हैं उनको हमने टिकट दिया और जीत रहे हैं। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेयर सीट पे एक भी मुसलमान चेहरा, आप उनसे पूछिए कि जहाँ जहाँ जिताऊ उम्मीदवार है मिले हमने टिकट दिया है, और आपसे पूछिए कि आपने जीत के आधार नहीं माना है, लोकतंत्र में जीत आधार होती है, जीत के आधार पर जो अच्छे कुशल व्यक्तित्व के लोग हैं उनको हमने जरूर टिकट दिया है और वो जीतेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कराने का काम कर रही है। दरअसल क्या है कि उनको डर अपनी कुर्सी का है, आज जो भयभीत है गुंडे, माफिया, बदमाश, मवाली भयभीत है, अखिलेश को अपनी कुर्सी जाने का हमेशा इस बात का उनको दर्द रहता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और हम सब पूरे प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर एक आ जाएंगे। सर मुख्तार अंसारी पर भी शिकंजा कसेगा क्या? और आगरा में 17 वर्ष